हमारे देश भारत में माना जाता है कि चंदन की लकड़ी भारत की सबसे महंगी लकड़ी है, लेकिन ये सच नहीं है क्योंकि इससे भी महंगी लकड़ी दुनिया में मौजूद है। पर इसमें कोई शक नहीं कि चंदन की लकड़ी अपनी सुगंध के लिए दुनिया भर में मशहूर है, ये भी कम कीमती नहीं है। साथ ही हमारे यहाँ इसका इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है, लेकिन इस सुगंधित और सदाबहार पेड़ के ऊपर सांपों का कब्जा होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस पर जहरीले सांप क्यों रहते हैं? दोस्तों, अगर नहीं पता तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि आज आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलने वाला है। दोस्तों, अनमोल माने जाने वाले चंदन पर आमतौर से सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसके पीछे की हकीकत पता नहीं होती और वो ये सोचते हैं कि चंदन के पेड़ से निकलने वाली महक की वजह से सांप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और पेड़ को अपना घर बना लेते हैं। लेकिन ये सच नहीं है क्योंकि सांपों में सूंघने की क्षमता उतनी स्ट्रांग नहीं होती, इस कारण सांप चंदन की खुशबू से चंदन को नहीं पहचान पाते। दरअसल चंदन की तरफ सांप के आने की वजह यह है कि सांप ठंडे वातावरण में रहने वाले जीव हैं, इसीलिए ये हमेशा ऐसी जगह की तलाश में रहते हैं जहाँ ठंडा और अंधेरा हो। चंदन के जो पेड़ होते हैं उनकी प्रवृत्ति ठंडी होती है। सांप अपनी जीभ की मदद से पहचान कर चंदन के पेड़ों तक पहुंच जाते हैं और फिर वहां वे अपने रहने का ठिकाना बनाते हैं। खास बात यह है कि सांप कभी भी चंदन के पेड़ पर ऊपर की ओर नहीं रहते, बल्कि ये तने के निचले हिस्से यानी कि जड़ वाले भाग को ही रहने के लिए पसंद करते हैं। इसकी वजह यह है कि चंदन के पेड़ का निचला हिस्सा ऊपर के भागों के मुकाबले ज्यादा ही ठंडा होता है और सांप इसे खूब पसंद करते हैं। चलिए अब आपको सांप से जुड़ी दूसरी महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि सांप के पैर नहीं होते, पर सवाल ये आता है कि सांप के अगर पैर नहीं होते तो वो अपना बिल कैसे बनाते हैं? चलिए इसकी भी सच्चाई आपको बताते हैं। बहुत से लोगों की तरह अगर आपको भी ये लगता है कि सांप अपने बिल खुद बनाते हैं तो ये गलत है, क्योंकि सांप जिस बिल में रहते हैं उसे वो खुद नहीं बना पाते। बहुत बार जब सांप किसी बिल बनाने वाले जीव के पीछे लग जाते हैं तो वो उनके बिल में घुस जाते हैं, उसके बाद वो उन्हें खा लेते हैं। इस तरह उन्हें खाने के बाद सांप उनके घर पर भी अपना कब्जा कर लेता है और उसी में रहने लगता है। दुनिया भर में जितने भी तरह के सांप हैं और जो ठंडे और अंधेरे जगह में रहना पसंद करते हैं, वो सभी अपना घर बनाने की बजाय इसी तरह दूसरे जीवों द्वारा बनाए गए घरों पर कब्जा जमाते हैं। सांप के बारे में एक और मशहूर बात है कि सांप को रात में दिखाई नहीं देता। ऐसे में एक सवाल आता है कि फिर सांप अपने शिकार को रात के समय कैसे बहुत आसानी से दबोच लेते हैं? इसका जवाब ये है कि अपनी जिंदगी में आपने कभी ना कभी कोई ना कोई सांप जरूर देखा होगा। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको सांप के चेहरे पर दो छोटे छोटे छेद दिखाई देंगे। दरअसल ये खास सेंसर होते हैं, इनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये गर्म चीज़ों को काफ़ी दूर से ही सेंस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि रात के टाइम कोई जीव अपने बिल के अंदर छिपा बैठा है, तब सांप अपने इन्हीं दोनों छिद्रों की मदद से जीव को आसानी से पहचान लेता है और इसके बाद फिर सांप अपने शिकार पर टूट पड़ता है। गर्म चीज़ों की पहचान कर हमला करने की सांप के अंदर गजब की क्षमता होती है, जिसे ऊपर वाले ने इसे तोहफे के रूप में दिया है। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि सांप के चेहरे पर जो ये छेद बने होते हैं उनसे सांप को ये पता लग जाता है कि उसके सामने जो जीव खड़ा है वो कितना बड़ा है और उसके शरीर की गर्मी कितनी अधिक है। बस इन्हीं सब चीज़ों को सांप बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं और उन्हें ये पता लग जाता है कि उनके सामने उनका शिकार खड़ा है या फिर शिकारी। दोस्तों, सांपों द्वारा समय समय पर केचुली छोड़ना भी काफी लोगों को हैरान करता है, तो चलिए इसके पीछे का भी राज आपको बताते हैं। दरअसल सांप पूरे साल में कई बार अपनी केचुली को अपने शरीर से अलग करते हैं, लेकिन एक साल में कितनी बार ऐसा होगा ये पूरी तरह से सांप की उम्र, सेहत और उसके आसपास के वातावरण के ऊपर डिपेंड करता है। सांप की जब लंबाई बढ़ने लगती है तो उसकी बाहरी त्वचा नहीं बढ़ती, जिसकी वजह से उसे रेंगने में परेशानी होती है। इसके अलावा उसकी पुरानी स्किन समय समय पर डेड हो जाती है और उसे उतारना सांप के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। सांप की केचुली उतारने की प्रक्रिया आसान नहीं होती, बल्कि उसे काफी कष्टदायक होती है। पर जब उसकी केचुली उतर जाती है तो उसकी नई स्किन काफी अच्छी और चमकीली होती है। सांपों के बारे में एक और मशहूर बात है कि उन्हें सुनाई नहीं देता। आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है, चलिए ये भी जान लेते हैं।
ये बात सच है कि सांपों के कान नहीं होते, लेकिन कुदरत ने इनकी बॉडी में सुनने के लिए एक सिस्टम बनाया है। इनके जबड़े में एक बहुत ही छोटी सी हड्डी मौजूद होती है। इसी हड्डी के जरिए सांप किसी भी साउंड को महसूस करते हैं। दरअसल जब कभी सांप के आसपास कोई आवाज होती है तो सांप के जबड़े में मौजूद ये छोटी सी हड्डी आवाज की वजह से उत्पन्न वेव्स को बड़ी आसानी से सेंस कर लेती है। यही वजह है कि जब सांपों के आसपास कोई मौजूद होता है तो उन्हें पता चल जाता है। लेकिन सांपों की सुनने की जो क्षमता होती है वो काफी सीमित होती है और ये सिर्फ 200 से लेकर 300 हर्ट्ज की आवाज को ही सुन पाते हैं। अब सवाल आता है कि आखिर पूरी दुनिया में कितने प्रकार के सांप मौजूद हैं? दोस्तों, इस पूरे संसार में सांपों की प्रजातियां 2-4 नहीं बल्कि 3000 से भी ज्यादा पाई जाती हैं। हमारे देश में ही सांपों की 300 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं। जमीन के अलावा बहुत से सांप पानी में रहते हैं। कुछ सांपों को आप पेड़ों के ऊपर देख सकते हैं तो वहीं हिमालय जैसी ऊंची पहाड़ी पर भी आपको सांप देखने को मिल सकते हैं। सांपों की प्रजाति में कुछ सांप जहरीले तो कुछ बिना जहर वाले होते हैं। इसी तरह कुछ सांप कछुए की रफ्तार से भागते हैं तो कुछ काफी तेजी के साथ भागते हैं। अफ्रीका में पाया जाने वाला ब्लैक मांबा इस दुनिया का सबसे तेज यानी कि फास्टेस्ट स्नेक है। ये सांप इतनी तेजी से भागता है कि आपके छक्के छूट जाएंगे। ब्लैक मांबा सांप 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागता है। ये काफी जहरीले भी होते हैं क्योंकि इनके काटने से 95% लोगों की मौत मौके पर ही हो जाती है। ब्लैक मांबा सांप के अलावा टाइगर स्नेक, ब्लू करैत, फिलिपिन कोबरा, सौ स्केल्ड वाइपर, डेथ एडर, रेटल स्नेक भी काफी जहरीले होते हैं। वहीं अगर दुनिया के सबसे लंबे सांप के बारे में बात करें तो पाइथन रेटिकुलेट्स इस विश्व का सबसे लंबा सांप है, जिसकी लंबाई 30 फीट तक होती है। ये सांप आमतौर पर एशिया के दक्षिण पूर्व में पाया जाता है। इस सांप को जालीदार अजगर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ग्रीन एनाकोंडा, बर्मी पाइथन, अफ्रीकी रॉक पाइथन, एमिथाइस्टिन पाइथन भी दुनिया के सबसे लंबे सांपों में शामिल है। हमारे देश भारत में सबसे लंबा सांप किंग कोबरा है, जिसकी लंबाई 16 फीट तक पाई जाती है। ये भारत के अलावा नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के जंगलों में भी पाया जाता है। दोस्तों, वैसे तो सांप को एक खतरनाक प्राणी कहा जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि समय के साथ साथ सांप को घरों में पालने का क्रेज भी बढ़ता जा रहा है। दुनिया के कई देशों में लोग शौक के तौर पर खतरनाक सांपों को पालते हैं। ब्लैक पाइथन, रिंग नेक स्नेक, रेनबो बोआ, रेड स्नेक और कॉर्न स्नेक्स मॉफ जैसे सांपों को लोग बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं और उन्हें अपने घरों में पालते हैं। अब तक तो हमने आपको सांपों से जुड़ी बहुत कुछ जानकारी दे दी। चलिए अब हम वापस से इस वीडियो की टॉपिक पर आते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर क्यों 1 किलो लकड़ी की कीमत लाखों रुपए के बराबर है। अगर आप सोच रहे हैं कि चंदन की लकड़ी के बारे में हम बात कर रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि ये लकड़ी अफ्रीकन ब्लैकवुड है जिसकी कीमत 7 लाख रुपए किलो है। ये दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी होने के साथ साथ एक दुर्लभ लकड़ी भी है। इसकी विशेषता ये है कि ये दुनिया में केवल अफ्रीका के कुछ देशों में ही पाई जाती है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस लकड़ी के पेड़ को तैयार होने में तकरीबन 60 सालों का समय लगता है और इसके पेड़ की ऊंचाई 25 फीट से लेकर 40 तक हो जाती है। अफ्रीकन ब्लैकवुड के पेड़ सूखे स्थानों पर ही पाए जाते हैं और इनकी संख्या काफी कम है, लेकिन डिमांड बहुत ही ज्यादा है। इस वजह से ही इसकी कीमत काफी अधिक है। लेकिन दोस्तों, इंडिया में चंदन की लकड़ी सबसे ज्यादा कीमती होती है। इसे भारत का लाल सोना भी कहा जाता है। ये लकड़ी इंडिया में आंध्र प्रदेश के जंगलों में सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसके महंगे होने का कारण ये है कि हिंदू धर्म में चंदन को काफी ज्यादा पवित्र माना जाता है और पूजा पाठ में भी इसी लकड़ी का विशेष तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा विदेशों में भी चंदन की लकड़ी की काफी ज्यादा डिमांड होती है, जिसमें चीन सबसे ऊपर है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको चंदन के पेड़ों और सांपों की रहस्यमय जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।